तो दोस्तों कैसे आप सब मुझे कमेंट में बताना। बाकी आज की इस वीडियो में अपने सामने है अपाचे आरटीआर 310 जो कि देखने में कुछ ऐसी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइक की क्या है परफॉर्मेंस, क्या है इसकी डाउन पेमेंट जिससे कि आप इस बाइक को आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं बाइक के परफॉर्मेंस की। इस बाइक में दोस्तों इंजन दिया गया है 312 cc का जो कि BS6 2.0 के साथ में आता है। पावर जो दी गई है 35 PS की पावर दी गई है 9700 RPM पर। इस बाइक में जो टॉर्क हैगा वो 28 Nm का। बात की जाए दोस्तों बाइक के टायर साइज की, जो कि फ्रंट में आपको देखने को मिलता है 110x70 का एंड बैक में आपको देखने को मिलता है 150x60 का। व्हील साइज की बात की जाए वो 431.8 mm एंड बैक में भी आपको 431.8 mm देखने को मिलता है। बात की जाए दोस्तों बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम को, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। ये जो बाइक आई है डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS के साथ में आती है। इसमें जो ABS दिया गया है वो है स्विचेबल, जैसे कि आप आसानी से इसका फायदा उठा सकते हैं। इस बाइक में दोस्तों फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 11 लीटर की, और इस बाइक में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो 28.7 Nm का है, और इसमें जो कर्व वेट दिया गया यानी कि जो बाइक का जो वेट है वो है 169 kg का। इस बाइक की जो सीट हाइट दी गई है वो है दोस्तों 800 mm की, जो कि मैं अभी आपको बैठ के दिखा देता हूँ। मेरी जो हाइट है वो है 5 ft 5 in की, तो आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से बाइक को। अब बात करते हैं दोस्तों बाइक के मीटर की, यानी कि जो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो कैसा है एंड क्या है उसका साइज एंड साथ में हमें क्या फीचर देखने को मिलते हैं इस बाइक में, तो देखते हैं। बाइक में दोस्तों 5 in की डिस्प्ले दी गई जो कि TFT है। अब मैं बात करता हूँ बाइक के गाइडिंग मोड की, जो कि मैं स्टार्ट किया मैंने ये बाइक। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से मोड है। अर्बन मोड है, रेन मोड, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक मोड। साथ ही में दोस्तों आप इसमें ट्रिप डिटेल देख सकते हैं, देखिए ABC यानी कि आपने लास्ट कितने की होगी। माई व्हीकल में जाके आप सर्विस देख सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ये सब आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगी आप। साथ ही में दोस्तों इस बाइक में आप 3 डॉक्यूमेंट आसानी से सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ इसमें। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट पर डॉक्यूमेंट 1 RC कुछ भी कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी आप डाल सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपको 3 डॉक्यूमेंट डालने आप आसानी से डाल सकते हैं इसमें। प्रेफरेंस की बात करें यानी कि थीम की बात आ जाती है यहाँ पे। DRL को आपको चेंज करना है, ऑटोमेटिक करना है, सेट करना है। टैक्स एंड कंट्रोल एंड क्विक सीट पर जैसे फीचर इस बाइक में देखने को आसानी से मिल जाते हैं, जिसको आप आसानी से सेट कर सकते हैं, ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। क्विक शिफ्टर भी आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। इस बाइक को दोस्तों आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं कि किसका SMS आया है, कॉल किसका आया है, ये सब डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही में इसमें जो कुछ फीचर एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिपोमीटर एंड डिजिटल, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आप स्पीड अलर्ट भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपके 80 से ऊपर ना जाए या फिर 80 से नीचे आ जाए तो आपको उसमें एक अलर्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बाइक में कौन कौन से बटन दिए गए हैं, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये जो लेफ्ट राइट टॉप डाउन आएंगे इसको आप आसानी से सेट कर सकते हैं किसी भी मोड्स को। ENT मतलब विंटर यानी कि सेट हो जाएगा उससे। बाकी दोस्तों आप जब बाइक स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कौन कौन से मोड आपको देखने को मिलते हैं। आपका एक अर्बन मोड देखने को मिल जाएगा, न्यूट्रल देखने को मिल जाएगा, टॉप स्पीड कितने स्पीड तक गई है, कि ऑडोमीटर, रेंज दिखा देगा आपको, ये सारे फीचर आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। बात की जाए दोस्तों बाइक की सीट हाइट की, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। सपोज आपकी सीट जो कि हीट हो जाती है किसी मौसम में, तो आप उसको आसानी से ठंडा कर सकते हैं, ये फीचर मुझे बहुत पसंद आया है। तो दोस्तों आप सुनते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट सिस्टम, यदि आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताना। अब बात करते हैं दोस्तों बाइक के एक्सोरूम प्राइस की। बाइक का जो एक्सोरूम प्राइस है जयपुर में वो है 2,92,990 रुपये, जिसमें आपका RTO जुड़ जाता है वो है 36,286 रुपये का। इंश्योरेंस की बात की जाए वो है 12,776 रुपये का। इस हिसाब से आपका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है वो है 92,502 रुपये। अब बात की जाए दोस्तों बाइक के फाइनेंसिंग डेटा की, इसकी जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 80,000 रुपये। उस हिसाब से आपको GMI बनेगी 6,650 रुपये बनेगी, 36 महीने की EMI होगी। यदि आप 60 महीने की EMI बनवाना चाहते हैं तो 4,300 रुपये आपकी EMI जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा वो जाएगा 8% का। बाकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।